नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टेक्निकल। देखिए गाइस, ये मेरे पास Y91C है फ़ोन, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चार्जिंग प्रॉब्लम है। मैंने अच्छे से स्टडी किया है इसके ऊपर, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने देखा कि इसमें चार्जिंग सेक्शन से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं चार्जर केबल जो है उसको लगा के पहले मैं आपको चेक करा दूंगा दोस्तों कि इसमें तो गाइस देखिए, मैंने चार्जर को लगा लिया है और चलिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है, अभी मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे कुछ 0.10 या 0.12 के समथिंग कुछ शो कर रहा है, ठीक है। तो गाइस देखिए, नहीं हो रहा है, मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है गाइस, वो इस साइड है। तो चलिए मैं बोर्ड को एक बार निकाल लेता हूँ, उसको साइड में रख देता हूँ। तो गाइस अब देखिए, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। ओके, तो चलिए इस बोर्ड पे लगा के मैं आपको एक बार हॉट टेस्टिंग करा देता हूँ कि क्या इशू का मतलब कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो गाइस चलिए मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। ये देखिए इसका चार्जिंग सेक्शन है और यहाँ पे मुझे कोई वोल्टेज दोस्तों शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये इसका चार्जिंग आईसी हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बार चेक करा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 5 वोल्ट मुझे प्रॉपरली मिल रहा है। तो ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट मतलब रिवर्स यहाँ से ये चार्जिंग आईसी से निकल के इस कैपेसिटर के थ्रू होकर, और यहाँ पे जो कॉयल लगा है दोस्तों, इस कॉयल के ऊपर से होकर यहाँ पे एक रजिस्टर होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि मेरे किसी भाई ने छेड़छाड़ किया है इस पे। पहले ये कहीं बनाने के लिए दिया गया था पर उन्होंने बना नहीं पाया, ठीक है। ये 5 वोल्ट यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ तक मिल रहा है लेकिन यहाँ आगे नहीं मिल रहा। तो गाइज ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो देख सकते गाइज, ये जो कैपेसिटर है यहाँ से एक जम्पर मुझे लेना है और सीधा इस कैपेसिटर पर लगा देना है, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैंने पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी कर लिया है और कहाँ से दिक्कत आ रहा था, कहाँ मुझे फाइंड आउट करने के लिए अगर वो सब चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करता तो बहुत सारा मतलब लंबा टाइम हो जाता वीडियोस का, ठीक है। तो चलिए मैं सिंपली इस जम्पर को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो देख सकते गाइस, यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने यहाँ पे जंपर मैंने कर लिया है। आपको एक बार अच्छे से दिखा दूंगा जंपर कहाँ किया है। देखिए गाइस, मैंने जंपर यहाँ पे कर लिया अच्छे से, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, बाई चांस शॉर्ट होने का चांसेस कम रहेगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बैटरी कनेक्टर पे फिर से एक बार चेक करा दूंगा कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए, और इस चार्जिंग सेक्शन का जो डायग्राम है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों।
देखिए मैं आपको फिर से एक बार अभी चेक करा देता हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। मुझे यहाँ पे 4.20 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए मुझे, तो ही जो बैटरी में चार्ज जो है स्टोर होगा और चार्ज भी शो करेगा। तो दोस्तों तो चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो शो कर रहा है मुझे, ठीक है 4.83 के समथिंग शो कर रहे हैं। तो मैं बैटरी लगा लेता हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पे मतलब जो मेरा चार्जिंग है वो भी मुझे प्रॉपर ढंग से शो हो रहा है। तो गाइज जो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था अब ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने दिखाया है कौन से कैपेसिटर से कहाँ पे जंपर लेना है, ठीक है। ये Y91C है। मैं आपको फिर से अब मॉडल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।